नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि एक कड़ी पत्ता को कैसे भूसी बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा कड़ी पत्ता जो है काफ़ी छोटा सा प्लांट है, फिर भी अभी बड़ा हो गया है। मैं जब लाया था बहुत ही छोटा बेबी प्लांट था, अभी तो काफ़ी भूसी लग रहा है। इसका एक ही कारण है, मैं इसका पिंचिंग करता रहता हूँ। तो कोई भी प्लांट को भूसी बनाने के लिए आपको पिंचिंग करते रहना है। पिंचिंग कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर जो नया स्टेम आता है उसको बस उखाड़ना है, उसको ही पिंचिंग बोलते हैं। नया स्टेम आने से आपको बस पिंचिंग करते रहना है। आपका जो प्लांट है वो ऑटोमेटिकली भूसी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ दिन पहले ही भूसी की पिंचिंग किया था यहाँ पर भी, और जितना भी स्टेम है सब पे मैंने पिंचिंग करके रखा है ताकि ये बहुत ज़्यादा भूसी हो जाए यहाँ पर भी। तो पिंचिंग करने से क्या होता है कि नीचे से जो एक स्टेम होता है उससे बहुत सारा स्टेम निकल आता है, जिससे कि आपका जो प्लांट है वो बहुत जल्दी भूसी हो जाता है। यही एक टेक्निक है भूसी बनाने का। आप कोई मेडिसिन अप्लाई करके इसको भूसी बना नहीं बना सकते। यही था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना।